हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई डॉट कॉम वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रेजेंस डेली द हिंदू वो कैबड डरी पॉर्ड बाई वो कैब ट्वेंटी फोर एप सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे दैट इज द बोल्टर द मीनिंग ऑफ द बोलस्टर इज सपोर्ट और स्ट्रेंथ फॉर बैटर बैटरिंग समथिंग किसी चीज़ को सहारा देना किसी चीज़ को मजबूत करना किसी चीज़ को बेटर करना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उसको अपन बोलते हैं बोल्स्टर सिनोनमेस के स्ट्रेंथ सपोर्ट रेनफोर्स मेक स्ट्रांगर बूस्ट एंड फोर्टिफाई और एंटीनम्स से ब्लॉक हल्ट हिंडर एंड तो यहाँ पे आपको ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफ्रेंस आपको इसका ध्यान रखना है फोर्टिफाई करने का यानी कि किस चीज़ को मजबूत करना तो देखते हैं एग्जाम्पल इफ डैनियल गेट्स ए गुड ग्रेड ऑन हर मैथ टेस्ट इट विल रियली बोल्स्टर हर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अगर डैनियल को अच्छे ग्रेड मिलेंगे उसको मैथ टेस्ट के अंदर तो उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो वाकई में बहुत मजबूत हो जाएगा बोलस्टर हो जाएगा अब देखते हैं इसकी वर्फ हॉम्स बोलस्टर बोलस्टर्ड एंड बॉल्स्टर्ड अब देखते हैं इसकी ट्रिक हॉल्स्टर में गन रखकर अपने आप को बॉल्स्टर किया तो देखिए हॉल्स्टर का मतलब क्या होता है जिसमें बंदूक रखते हैं उसका जो कवर होता है इसको अपन बोलते हैं होलस्टर तो क्या करा आदमी ने एक इंसान ने क्या किया हॉलस्टर में गन रखकर अपने आप को क्या किया बॉलस्टर किया यानी कि अपने आप को मजबूत किया अगर किसी के पास में गन है तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन महसूस करेगा तो मैं यहाँ पे इसीलिए हॉलस्टर को रिलेट कर रहा हूं बॉलस्टर से इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हैं कि हॉलस्टर में गन रखकर अपने आप को क्या किया बॉलस्टर किया यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी अपने आप को सहारा दिया देखते हैं अगला एग्जिजरे स्टेटमेंट दैन रिप्रेजेंट समर्ड्स दैन इट इज रियलीज अतिशयुक्ति यानी किसी चीज को बहुत ज़्यादा अच्छा बताना या किसी चीज़ को बहुत बेकार बताना उसको अपन बोलते हैं एग्जिजरेशन सीनानम्स के ओवर स्टेटमेंट ओवर एम्फेसिस मैग्निफिकेशन एम्पलीफिकेशन एंग एग्रेडाइजमेंट या फिर ड्रामेटाइजेशन और उसके एंटेनम्स है ट्रुथ रियलिटी या फिर एक्चुअलिटी अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल इट वुड बी ए सीरियस एग्जीजरेशन टू से दैट बैल्यूज लाइफ इज इन डेंजरस बट ही सडनली इज सिक यानी कि ये बोलना कि सीरियस एग्ज्रेशन होगा कि उसकी लाइफ डेंजर में है लेकिन वो क्या पता सिक भी हो सकता है अब देखते हैं उसकी वर्फॉर्म्स एक्जरेट एक्जरेटेड एंड एक्जरेटेड और इसके रिलेटेड वर्ड्स है एग्जेजरेट यानी कि बड़ा चढ़ा कर कहना किस चीज़ को आप बहुत ज्यादा बोलते हो अच्छा बेहतर या फिर किसी चीज़ को बहुत कम बताना उसको अपन बोलते हैं एक्जरेशन अब देखिए इसकी ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है इस जनरेशन के बच्चे बहुत एक्जरेशन करते हैं तो देखिए इस जनरेशन के बच्चे जो ट्वेंटी सेंचुरी के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन करते हैं कोई छोटी सी चीज होगी उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा के बताएंगे या तो बहुत अच्छा बताएंगे या फिर बहुत बेकार बताएंगे उसको तो बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन करते हैं तो इस जनरेशन के मैं इस जनरेशन को लेट कर रहा हूं एग्जेशन से देखिए इस जनरेशन के बच्चे बहुत एग्जेजरेशन करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहते हैं देखते हैं अगला वर्ड रेप्रेचमेंट एंड स्टैब्लिश और रिजम्पन ऑफ हार्मोनियस रिलेशन घनिष्ठता या फिर मेत्री किसी को आ, अच्छे से किसी के साथ बात करना किसी के साथ घनिष्ठता करना मेत्री करना फ्रेंडलीनेस नेचर जो है उसको अपन बोलते हैं रेप्रिचमेंट सेंडरम्स के हारमेनाइजेशन रिकनसिलाई कंसिलेशन एग्रीमेंट कॉडिलिटी फ्रेंडलीनेस या फिर रिकनसाइलमेंट और अलूफनेस डिसएग्रीमेंट या फिर हॉस्टिलिटी अब देखते हैं एग्जाम्पल आफ्टर लेटेस्ट सीज फायर वायलेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ रियप्रचमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज सीम्स अनलाइकली यानी कि जैसे ही लेटेस्ट जो सीज फायर वायलेशन हुआ है जो बॉर्डर पर गोलियां चली है उसके बाद अच्छी मेत्री होना या फिर अच्छी फ्रेंडशिप होना दो देशों के बीच में बहुत ही मुश्किल हो गया है अब देखते हैं ट्रिक पहले अप्रोच करनी पड़ती है लड़कियों से रीअप्रोचमेंट के लिए तो देखिए हमेशा लड़कियों से पहले अप्रोच अगर किसी को फ्रेंड बनाना है किसी लड़की को तो पहले अप्रोच करना पड़ेगा ओके मेजरली यही होता है नाइन्टी परसेंट केसेस में तो, तो पहले अप्रोच करनी पड़ती है लड़कियों को किस चीज़ के लिए रीअप्रोचमेंट के लिए यानी कि मित्र मैत्री के लिए फ्रेंड बनाने के लिए तो पहले अप्रोच करनी पड़ती है लड़कियों से रीअप्रोचमेंट के लिए तो देखिए यहाँ पे मैं अप्रोच को रिलेट कर रहा हूँ रीअप्रोचमेंट से जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं जिसका मतलब है घनिष्ठता या फिर मैत्री रिट्रीट एन एक्ट ऑफ मूविंग बैक और विदड्रॉइंग पीछे हटना रिट्रीट सेनानम से इसके मूव बैक विदड्रॉल पुलिंग बैक और एंटेनम से एडवांस अराइव एंड कंटीन्यूटी अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल द मेजर

हर बर्थडे बर्थडे पे ट्रीट के नाम लेते ही रिट्रीट हो जाता है देखिए कई लोग होते हैं जिनके बर्थडे जब आता है तो उनके ट्रीट के नाम बोल दो और वो पीछे हट जाते हैं तो रिट्रीट हो जाते हैं देखिए कितना आसान तरीका है याद करना कि हर बर्थडे पे ट्रीट के नाम लेते ही रिट्रीट हो जाता है यानी कि उसके पैर पीछे हो जाते हैं दूसरे के बर्थडे में सबसे पहले उन्हें ट्रीट मांगनी लेकिन जैसे खुद का बर्थडे आता है तो ट्रीट का नाम लेते ही रिट्रीट हो जाता है यानी कि पीछे हटा लेना अपने कदम तो इस तरीके से आप इसको दिल याद कर सकते हैं देखते हैं अगला हैजी मनी प्री प्री पंड्रेंस इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी ओवर अदर्स द डोमियंस और लीडरशिप ऑफ वन स्पेशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर्स नेतृत्व यानी कि एक देश के ऊपर या एक लीडरशिप के ऊपर दूसरे का ज्यादा होना पावर में होना उसको अपन बोलते हैं हेजी मनी सेम्स अथॉरिटी कमांड लीडरशिप पावर या फिर प्री डोमिनियस और एंटेनम्स हैोलो या फिर ओबीडियंस अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वेन द डिक्टेटर वॉज चेज आउट ऑफ द कंट्री हिज हेजी मनी ओवर द पीपल केम टू एन एंड यानी कि जैसे डिक्टेटर ओके okay, जैसे क्या हुआ वैन द डिक्टेटर ऑफ चेज आउट ऑफ द कंट्री यानी कि जैसे आउट ऑफ द कंट्री उसको निकाल दिया गया और उसका पावर जो था वो खत्म हो गया वहां पे लोगों के ऊपर अब इसका रिलेटेड वर्ड है हेजमनिक यानी कि आधि आधिपत्य अब देखते हैं इसके ट्रिक है जिसके पास मनी उसका हेज मनी है तो है जिसके पास मनी जिसके पास मनी है उसी की पावर ज्यादा होती है दुनिया में तो जैसे यूएस ओके okay, तो जिसके पास ज्यादा मनी है उसी का हेज मनी होगा यानी कि उसकी ही नेतृत्व में दुनिया चलेगी तो हैज जिसके पास मनी उसका हैज मनी तो देखिए मनी और हैज मनी एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इसको इजिली याद कर सकते हैं फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बुक में प्रॉब्लम है तो यू कैन परचेज दिस पेन ड्राइव कोर्स इन विच यू विल गेट ए सिक्सटी वीडियोज ऑफ थ्री थाउजेंड बाय कैब्स इन दिस पेन ड्राइव कोर्स यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक बाय यू विल इजिली एबल टू रिमेंबर ऑल द बुक एप्स इफ यू वॉन्ट This pen drive you can access online by vocab 24 app in which you will get in rupees 497 and if you want this in a pen drive you will get in 999. So friends, let's proceed forward. एजिलिटी एजिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्यूकली नंबलनेस एंड क्यूकनेस ऑफ मोशन बहुत फिजिकली एंड फिगरेटिवली यानी कि बहुत पावर होना क्लेवरनेस होना दक्षता होना किसी काम करने में क्यूकनेस होना उसको अपन बोलते हैं एजिलिटी सेनानम से क्लेवरनेस डेक्सटिटी क्यूकनेस शार्पनेस एक्टनेस या फिर एड्रॉइटनेस तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरस के स्लोनेसनेस या फिर क्लमसीनेस और आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स डिस्प्ले अमेजिंग मेंटल एजिलिटी टू बी एबल टू थिंक रैपिडली एंड क्रिएटिवली वाइल अंडर सच प्रेशर यानी कि प्रोफेशनल टेस्ट जो चेस प्लेयर्स होते हैं वो अमेजिंग अपना क्यनेस दिखाते हैं और सोचने की भी और अपना अपने अच्छे प्रेशर के अंदर काम करने की भी अब देखते हैं इसके रिल अजैल यानी कि दक्ष है. अब देखिए ट्रिक इस लोग लोगों में एजिलिटी नहीं होती है तो जो एज लोग जब बूढ़े हो जाते हैं जब लोगों में एजिलिटी कम हो जाती है तो एज लोगों में एजिलिटी नहीं होती है तो आप इस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते कर सकते हैं देखिए एजड और एजिलिटी दोनों ही मिलते दो वर्ड्स हैं तो एज लोगों में एजिलिटी नहीं होती है सिंपल से बात है उनमें दक्षता कम होती है उनमें क्विकनेस कम होती है तो जैसे की एज बढ़ जाती है उनकी एजिलिटी कम हो जाती है Pragmatism, an approach that evaluates theories or beliefs in terms of a success of their practical application. We have Synonyms as oppositeness, aptness, every practicality, and antonyms as inappropriateness. देखते हैं इसका एग्जाम्पल माई मदर इज क्वाइट प्रेगमैटिक इन नेचर एंड नेवर डज एनीथिंग विदाउट रेशनलाइजिंग इट फर्स्ट यानी कि मेरी मदर कैसी है? बहुत ज्यादा प्रेगमैटिक है व्यवहारवाद है और वो कोई भी काम करने से पहले उसको सोच विचार करती है उसके ऊपर रेशनलाइजेशन करती है अब लेटेड वर्ड है इसके प्रेगमेटिस्ट यानी कि व्यवहारवादी एंड प्रेगमैटिक यानी व्यवहारिक अब देखते हैं इसके ट्रिक प्राग में प्रेगमेटिज्म बहुत पॉपुलर है तो प्राग प्राग क्या एक चेक रिपब्लिक के अंदर एक सिटी है तो उसमें क्या है प्रेग्मेटिज्म बहुत पॉपुलर है ये क्या है प्रेगमेटिज्म एक थ्योरी ऑफ बिलीव्स है जब आप सक्सेस को लेकर कई सारी चीज़ों को आ, उनको उनको तोलते हो उस चीज़ को अपन बोलते हैं प्रेगमेटिज्म व्यवहारवाद ओके तो प्रैग में क्या है? प्रेगमेटिज्म है तो देखिए प्राग एक सिटी है प्राग से आप प्रेगमेटिज्म को इजीली रिलेट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं देखते हैं अगला सरिल अपेयरिंग एज अ फैंटेसी और ड्रीम स्वप्निल या फिर अवास्तविक कोई भी ड्रीम वाली जो चीज होती है फैंटेसी में जो अवेलेबल होती है सिर्फ उसको अपन बोलते हैं सरिल इसके सिनन, इसके ड्रीम लाइक फैंटेस मैग्रेक या फिर ऑफ फैंटेसी और एंटेनसर रियालिटी ट्रुथ एब्सोल्यूट स या फिर ऑथेंटिसिटी अब देखते हैं इसके तो इस तो ट्रिक जो रियल नहीं वह सरिल है देखिए जो रियल नहीं वह सरिल है कितना ईजी ट्रिक है कितनी इजिली आप इसको याद कर सकते हैं जो रियल नहीं है वो कैसा है सरिल है यानी कि इमेजनरी है सिर्फ ड्रीम में ही है या फिर फैंटेसी में ही है जैसे हीमैन ओके okay, ये कार्टून कैरेक्टर आपने देखा होगा और ये रियल नहीं है तो ये कैसा है सरिल है यानी कि फैंटेसी वि ड्रीम में ही है इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट डिस्पेल मेक अ डाउट फीलिंग और बिलीव डिसअपियर दूर करना या फिर होना बैनिश डिसमिस चेज अवे ड्राइव अवे डिस्पर्स या फिर अले एंड ने कीप अलाउ होल्ड या फिर परमिट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वेन द पर्सेंट मेक इज स्पीच अबाउट द स्टेट ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी ही होप डिज वर्ड्स वुड डिस्पेल पब्लिक फेयर्स डिस्पेल यानी कि दूर करना किसी भी चीज को दूर करने को बोलते हैं डिस्पेल करना व फ्रॉम से डिस्पेल डिस्पेल्ड एंड डिस्पेल्ड अब देखिए ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है डिसिप्लिन थोड़ा है ये बच्चा थोड़ा है ये बच्चा इसलिए डिस्पेल कर दो तो ये बच्चा जो है इसने डिसिप्लिन तोड़ दिया है तो डिसिप्लिन थोड़ा तोड़ा है इस बच्चे ने तो इसको इसलिए डिस्पेल कर दो तो देखिए डिसिप्लिन और डिस्पेल एक जैसे वर्ड्स हैं डिसिप्लिन तोड़ा है इस बच्चे ने इसलिए इसको डिस्पेल कर दो तो यानी कि दूर कर दो स्कूल से इसको निकाल दो तो डिसिप्लिन और डिस्पेल एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इनको इजिली याद कर सकते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ेगा तो आप उसे डिस्पेल करेंगे चाहे कोई कंपनी हो या फिर कोई स्कूल हो या फिर कॉलेज हो देखते हैं नेक्स्ट

आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन एवरी पोलिटिकल लीडर स्विचेज टू रिटरिक स्पीचेस टू अलॉर्ड द वोटर्स यानी कि इलेक्शन के टाइम पे हर एक आदमी जो लीडर है वो कैसे बन जाते हैं झूठे वादे करते हैं लोगों के वोट लेने के लिए अब इस रिलेटेड वर्ड है रिले, रिट्रिकल यानी कि शब्दारम्बर पूर्ण अब देखते हैं इसकी ट्रिक इलेक्शन में जीतने पर एक एक हीटर देंगे ये बात रिट्रिक है तो इलेक्शन पे जीतने पे यह इलेक्शन की पार्टी है चाहे कोई सी पार्टी मान लीजिए इन्होंने क्या किया इलेक्शन में अपने प्रोमिसज किए हैं कि अगर जीते तो हम एक एक हीटर देंगे तो ये बात कैसी है रिट्रिक है देखिए तो हीटर और रिट्रिक एक जैसे वर्ड्स हैं तो इलेक्शन में जीतने पर एक एक हीटर देंगे ये बात कैसी है रिट्रिक है यानी कि झूठ है तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं एक बार वापस से रिवाइज करते हैं रिट्रिक यानी कि झूठे वादे करना डिस्पेल यानी कि दूर करना सरल यानी कि फैंटेसी यानी व्यवहारवाद एजिलिटी दक्षता हिजिमनी यानी कि नेतृत्व रिट्रीट पीछे हटना रिप्रेचमेंट यानी कि मित्रता एग्जरेशन किसी चीज को बढ़ा के बोलना बोलस्टर किसी चीज को सहारा देना सो so फ्रेंड्स ये आज वो कैप्स है जो हमने आपको बताया उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे और अभी डिस्कस करते हैं पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था प्रीवियस सेशन का उसका आंसर क्या है काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और हमें बहुत खुशी है इस बात की और आपका जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड जो हमारा वर्ड था नेबुलस और इसका आंसर है वेग वेग का मतलब होता है नेबुलस जो चीज अनक्लियर होती है ओके okay. ये और देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो की है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो जो वर्ड दे रखा है उसके मोस्ट सिमिलर कौन सा वर्ड है ये आपको आंसर करना है और यू हैव टू कमेंट ऑन दिस वीडियो इसका आंसर तो ये आपका क्वेश्चन है And friends, if you are not subscribed to our channel team now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos. And for daily newspaper editorials, vocabs and quiz, download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.